नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपने जीवन काल में कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाले चार दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में आपको वो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि दोस्तों आप भी कहेंगे कि धन्य हो प्रभु आप और आपकी लीला। जी हाँ दोस्तों, आने वाले चार दिनों के अंदर आप सभी के चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव के भक्तों के लिए आने वाले चार दिनों का समय बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपके पिछले कई समय ऐसे गुजरे हैं जहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी ऐसा खुशखबरी नहीं मिला है जिनसे दोस्तों आप सभी अपने जीवनकाल में खुशियों को प्राप्त कर सकें, जिनसे आप अपने जीवनकाल में अपनी स्थिति को बदल सकें। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि कर्म के देवता भगवान शनिदेव हमेशा हर मनुष्य के जीवनकाल में उनके कर्मों का फल ज़रूर ही देते हैं। जी हाँ दोस्तों, भले ही थोड़ा सा विलम्ब होता है लेकिन दोस्तों देते ज़रूर हैं। और दोस्तों यश में आप सभी के जीवनकाल में कुछ इस प्रकार की घटनाएं होने वाली है जिन्हें देखकर आप सभी की आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके पिछले समय की जो भी दुखद भरी जिंदगी थी दोस्तों वो अब समाप्त होने वाली है। अब आपके जीवन काल में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके कर्मों का फल मिलने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी खुशियों में शराबोर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले चार दिनों का समय भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले चार दिनों के अंदर आप अपने जीवनकाल में उन खुशखबरी को प्राप्त करने वाले हैं, उन महत्वपूर्ण चीज़ों को खरीदने वाले हैं जिन्हें पाना आपके लिए एक सपना था। जी हाँ दोस्तों, अगले चार दिनों के अंदर आप सभी को भगवान का दिया वह वरदान मिलने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी का घर परिवार सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में जो शत्रु आप सभी को परेशान करते हैं दोस्तों उन सभी की बोलती बंद होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यश में आपके शत्रु बिल्कुल ही आपसे पराजय होने वाले हैं और आप दोस्तों हर जगहों में सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा और दोस्तों इन्हें शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो भी भक्त आज के इस वीडियो को अंत तक देख पाएगा वही इस पूरे चार दिनों का लाभ उठा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ग्रहों की बदलती चाल में अगले चार दिनों में बहुत ही बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और दोस्तों समय के साथ आपको भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जो इस वीडियो को ध्यान से देख लेगा और जो भी सावधानी हम बताने वाले हैं उन्हें ध्यान से रख लेगा तो दोस्तों उनके जीवन काल में भगवान शनिदेव की असीम कृपा बरसने वाली है। जीवन काल में आपको वो सब खुशखबरी मिलने वाले हैं, आपके वे सभी सपने सच होने वाले हैं जिनके लिए दोस्तों आप काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम पुनः आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने पिछले समय अंतराल में अपने जीवनकाल में बहुत ही बुरे दिन को देखे हैं। जी हाँ दोस्तों, कई सारे ऐसे मुसीबत आप सभी के जीवनकाल में आए हैं जिनसे दोस्तों आप सभी लोग बिल्कुल ही तंग हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें दोस्तों आप लोग अपने जीवन काल से बिल्कुल ही हार चुके हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप कर्म की राशि हैं। दोस्तों आपने अपने जीवनकाल में कभी भी कर्म और दोस्तों ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, कभी भी दोस्तों आपने ईश्वर के ऊपर से विश्वास नहीं हटाया है। दोस्तों भले ही आपके जीवनकाल में परेशानी आए हैं, संकट आए हैं, कितने भी बड़ी मुसीबत आए हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी की राशि इतना सहनशील है कि दोस्तों साहस के साथ अपने सभी मुसीबतों का सामना किया है और दोस्तों हर कार्यों में हर जगहों में आपने ईश्वर का ही नाम लिया है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए ईश्वर आपके इन सभी सद्भाव के कर्मों को देखकर आपके ऊपर अब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो चुके हैं और दोस्तों अगले चार दिनों का समय आपके सारे सपने सच करने वाले हैं।
क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव का षष्ठ नाम का शिव योग का निर्माण अब आप सभी के जीवनकाल में कल से होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और भगवान शनिदेव की असीम अनुकंपा से आप सभी के जीवनकाल में आपको वह सब चीज़ें मिलने वाली है जो कि दोस्तों आपको मिलना आपके कर्मों में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले चार दिनों में आप सभी का भाग्य बहुत ही ज़्यादा प्रबल होने वाले हैं और इनके साथ ही ईश्वर भगवान शनिदेव का भी साथ आपके ऊपर रहने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन में आपके घरों में चार चांद लग जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपके जीवनकाल में जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, दोस्तों यश में उन सभी की बोलती बंद होने वाली है। क्यों दोस्तों, यश में आप अपने जीवनकाल में हर रास्ते में सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं और दोस्तों आपकी सफलता ही आपके शत्रु की बोलती बंद करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको आपके ऊपर ऐसी परिस्थिति देखना चाहते थे जिनमें आप रोए, जी हाँ दोस्तों, उन लोगों को यश में रोने का नौबत आने वाले हैं। जो लोग आपकी बुराई सोचते थे दोस्तों, यश में उनका ही बुरा होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर कर्म के देवता भगवान शनिदेव प्रसन्न हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले चार दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएँ खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अगले चार दिनों के अंदर आपको लाभ के कई सारे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिनमें दोस्तों आप अपने जीवनकाल को पूरी तरह सुधार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कारोबार में बहुत ही घाटा को झेल रहे थे दोस्तों, यश में आपके कारोबार दुगनी तेजी में बढ़ेंगे और दोस्तों लाभ का स्तर यश में आपके 10 गुने में बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले चार दिनों के अंदर आपको जो तरक्की मिलने वाली है दोस्तों, इन्हें देखकर आपके आस पड़ोस में बड़ा ही हड़कंप मचेगा। सभी लोग यही कहेंगे कि अचानक इनकी किस्मत कैसे बदल गई, क्या इन्हें कोई जादुई छड़ी मिल गई है या फिर इनका किस्मत ही चमक गया है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग यही कहेंगे कि वह किस्मत हो तो ऐसा। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी की किस्मत में भगवान शनिदेव का वास है, अब आप सभी की किस्मत में भगवान शनिदेव का साथ है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी का किस्मत यश में तरक्की की ओर बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले चार दिनों में ग्रहों के साथ साथ आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाले हैं, क्यों दोस्तों भगवान शनिदेव का षष्ठ नाम का शिव योग का निर्माण आप सभी के जीवनकाल में हुआ है, इससे दोस्तों आप सभी की राशि बहुत ही कर्मशील राशि बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगले चार दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में आपको वे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, यानी कि दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आपको फोन कॉल से मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आपने कहीं पर पेशा इन्वेस्ट किया है तो दोस्तों वह पेशा आपको तिगनी तरीके में मिल सकता है। एक प्रकार से कहें वह पेशा आपको आपका जीवन बदलने वाले कारक साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को यह बात बताना चाहेंगे कि अगले चार दिनों का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यश में आपका व्यापार बढ़ने वाले हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें नौकरी मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपके शत्रुओं को सजा मिलने के साथ साथ आप सभी का प्रेम संबंध बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। घर के माहौल में जो भी नोकझोंक हो रही थे दोस्तों, वे सभी समाप्त होने वाले हैं। घर परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे दोस्तों। आपका जीवन साथी के सहयोग से आप कई सारे नए कार्य को भी संपन्न कर पाएंगे, जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन काफ़ी हद तक बदलेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि संतान सुख का यश में आप सभी को मौका मिलेगा। भगवान शनिदेव कर्म के देवता हैं, तो दोस्तों आपके अच्छे कर्म होने के साथ आपकी जो भी इच्छाएँ हैं दोस्तों, वो भगवान शनिदेव पूरी करने वाले हैं। जी दोस्तों, सभी बातें हम इनमें कह नहीं सकते, वीडियो बड़ी ही लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आप इस बात को याद रखिएगा कि भगवान शनिदेव की यश अनुकंपा यश में आपके जीवनकाल में है और ग्रहों की स्थिति प्रबल है, जिनसे दोस्तों चार दिनों में आपके सारे सपने सच होने वाले हैं, बशर्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अगर अगले चार दिनों के अंदर आप इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों शनि का आपको उल्टा असर भी पड़ सकता है, हम यह भी आपको बताते हैं। इसलिए दोस्तों आगे वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा, जो बात हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, उन बातों पर आपको गौर करना है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवनकाल में अब शनिदेव की छाया आया है, इसलिए दोस्तों अब आपको अगले चार दिनों में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि दोस्तों आप अपने जीवनकाल में अगर किसी का पेशा उधार लिए हैं और वह व्यक्ति मुसीबत में फंस गया है,
तो दोस्तों उस व्यक्ति का पैसा आपको वापस करना होगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप किसी से दूसरे से मांग लें, लेकिन दोस्तों वह व्यक्ति अगर मुसीबत में है तो दोस्तों उन्हें पैसा आपको वापस करना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा जो बात है कि आपको अगले 4 दिनों में किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आपको बुरे रास्ते में नहीं जाने हैं। जो भी कार्य करेंगे दोस्तों, हमेशा आपका एक नंबर का कार्य होना चाहिए। दोस्तों कभी भी आपके मन में बुरे ख्याल नहीं आना चाहिए। किसी और की चुगली अगर आप अपने मन में करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये आपके कर्मों में लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इनसे आपका पुण्य कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में आप किसी भी गरीब असहाय और मजदूर के साथ किसी भी अभद्र का शब्द का प्रयोग बिल्कुल ही मत कीजिएगा। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको अपने जीवनकाल में अपने माता पिता का, घर परिवार का दोस्तों सहयोग करना है। अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का आपको ऐसे में दोस्तों आदर सम्मान करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपने घर में अगर आप हो हल्ला का माहौल करते हैं तो दोस्तों उन्हें शांत कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगले 4 दिनों में आप सभी के ऊपर भगवान शनिदेव का छत्र छाया पड़ने वाले हैं, यानी कि दोस्तों कर्मशील देवता भगवान शनिदेव का छाया आप सभी के जीवनकाल में अगले 4 दिनों में होने वाले हैं। दोस्तों आपकी कुंडली में जो ग्रहों का निर्माण है, जो शुभ योग शनि का, जो सत्ययोग का निर्माण है, इनके कारण दोस्तों आपको अपने घर में साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों आपकी राशि में अगर भगवान शनिदेव का छत्र छाया है तो दोस्तों यश में आपको अपने जीवनकाल में साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको किसी गरीब मजदूर और असहाय को, ज़रूरतमंदों को काली चीज़ों का दान करना है। जी हाँ दोस्तों, अपनी इच्छा के अनुसार करना है, ये नहीं कि दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा करना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 4 दिनों के ही अंदर आपको शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात के ध्यान रखें। साथ ही साथ काले तिल का आपको दान करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अगर करेंगे तो भगवान शनिदेव आपके जीवनकाल में अगले 4 दिनों के अंदर आपको आकस्मिक धन लाभ भी देने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही कम जातकों के ऊपर होते हैं, लेकिन जो जातक भगवान शनिदेव के ऊपर सच्चे विश्वास करते हैं, वो भगवान शनिदेव को मानते हैं कि हाँ भगवान शनिदेव कर्म के देवता हैं, उन पर हमें पूरा यकीन है कि वह हमारे साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसे जो सोचते हैं उनके जीवनकाल में अगले 4 दिनों के अंदर आकस्मिक धन लाभ भी मिलने वाले हैं, यह बात गारंटी है। बस आपको भगवान शनिदेव के ऊपर सच्ची श्रद्धा रखनी है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण उपाय करना है कि दोस्तों आपको जब भी अपने जीवनकाल में कोई ऐसी असहाय वृद्ध व्यक्ति दिखे, यानी कि दोस्तों जो विधवा व्यक्ति है, उसको दोस्तों आपको क्या करना है कि उसको भोजन कराना है। जी दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों भोजन के लिए आपको कुछ रुपयों का उन्हें दान दे देना है। दोस्तों ऐसा अगर करते हैं तो भगवान शनिदेव की जो भी कुदृष्टि आपके जीवनकाल में है दोस्तों वे कम होंगे और आपको स्वप्न में भगवान शनिदेव ऐसा संकेत देंगे जहाँ पर आपको आकस्मिक धन लाभ मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साथ ही साथ जब आपको आकस्मिक धन लाभ कहीं पर मिल जाए, कहीं पर आपको दोस्तों कुछ पैसे मिल जाए, कुछ खजाने मिल जाए, सोने चांदी कोई भी हीरे जवाहरात आपको कहीं पर मिल जाए जहाँ पर भगवान शनिदेव आपको सपने में संकेत देते हैं, या फिर कहीं भी आपकी मति को ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जाने पर अगर भगवान शनिदेव अगले 4 दिनों के अंदर मजबूर कर देते हैं तो दोस्तों आप उस खजाने तक, उस पैसों पर, या फिर दोस्तों उस धन पर जो कि आकस्मिक धन आपका नसीब का है, दोस्तों उस तक भगवान शनिदेव आपको लेकर जाएंगे। और दोस्तों अगले 4 दिनों के अंदर आप शिविर का किस्मत आकस्मिक धन लाभ से चमक जाएगा, बिल्कुल ही आप शिविर का जीवन बदलने वाला साबित होगा। जी दोस्तों, और एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जब भी आपको ये धन मिल जाते हैं तो दोस्तों उनमें से आपको 5% दोस्तों आपको गरीबों में और असहाय जरूरतमंदों में दान करना है। ये नहीं कि आपके किस्मत का मिला है तो दोस्तों वो धन आपका है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी और को दान करेंगे, किसी असहाय को मदद करेंगे, तो दोस्तों इससे आपका कर्म और भी ऊंचे स्तर तक जाएगा और दोस्तों इनसे आपको और भी धन भगवान शनिदेव देंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हमें एक और भी महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताते हैं कि अगले 4 दिनों के अंदर आपको भगवान शनिदेव के जो महत्वपूर्ण चीज़ है, काले जो दोस्तों तिल है, उन्हें दोस्तों अगर आप रोटी में मिलाकर काले कुत्ते को खिलाते हैं तो दोस्तों इनसे आप सभी के जीवनकाल में भगवान शनिदेव की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी
और जो भी आपके जो दोस्तों गलत कार्य हैं, जो भी आपके जीवन काल में आपने कुछ गलती किए हैं दोस्तों, उनसे आपको भगवान श्रीदेव माफ़ी दे देंगे और दोस्तों आपका जीवन फिर से सफल हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि दोस्तों आप अपने जीवन काल में कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो हमने आपको बताया है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दोस्तों उपयोगी चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, ये सिद्ध चीज़ है, इन्हें आप जरूरी कीजिएगा, इनसे आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदलने वाले साबित होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो भी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, जो भी सफलताएँ मिलने वाली है, इनसे दोस्तों आप सभी का शत्रु बिल्कुल ही प्रबल स्थिति में आने वाले हैं और आपको परेशान करने का बहुत ही वो मौका ढूंढने वाले हैं। तो दोस्तों इनसे बचने के लिए आपको अपने जीवन काल में कुछ कार्यों को लेकर सावधान रहना होगा और कुछ बातों को लेकर आपको अपने जीवन काल में ध्यान रखना होगा। जैसे कि दोस्तों पहला और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी खुशखबरी आपको अपने जीवन काल में मिलती है दोस्तों, उन सभी के बातों का ढिंढोर आपको कहीं पर भी नहीं पिटना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको मिला तो दोस्तों आप उनका हल्ला करने लगे, उनको आप किसी और के साथ शेयर करने लगे। दोस्तों ये बड़ी गलती बस आप ना कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और दोस्तों आने वाले भविष्य में इनसे आपका कर्मों का भी खड़ा और बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपके जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकट बना हुआ है। दोस्तों इनके लिए आपको शनि के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि हनुमान मंदिर में भी आपको 2 लौंग डालकर दोस्तों सरसों के तेल में दीपक जलाएं। दोस्तों ये कार्य आप मंगलवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। इससे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जो भी संकट है, जो भी शत्रु आपके ऊपर लगा है और जो भी धन की संकट है दोस्तों, वे धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप ये कार्य करेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में ये सारी परेशानी, ये सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि शत्रु जब भी आपको परेशान करता है, शत्रु जब भी आपके ऊपर कोई काले टोटके करते हैं, तो दोस्तों उनके लिए क्या करना है कि आपको अपने जीवन काल में राहु को शांत करना है। तो दोस्तों राहु को शांत करने के लिए आपको बहते पानी में बस एक शीशा का टुकड़ा बहा देना है, प्रवाहित कर देना है, और दोस्तों बहते पानी में आपको नारियल भी प्रवाहित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नारियल को प्रवाहित करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप सक्षम हैं तो दोस्तों उसके अंदर छेद करके एक तांबे का जो है पेशा डाल दें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से बहुत ही शीघ्र आपके संकट दूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि शनिवार को कोयला, तिल, नारियल, कच्चा दूध, हरी घास, जौ, तांबा बहती नदी में प्रवाहित करने से दोस्तों जीवन काल की जो भी कसौटे हैं दोस्तों, वे साक्षात भगवान शनिदेव दूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये कार्य कर देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन काल से राहु का दोष तो हटेगा ही, साथ ही साथ जीवन काल में जो भी कष्ट है वे सभी स्वयं भगवान शनिदेव दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस उपाय को आप कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में भगवान शनिदेव का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा उपलब्धियों को भी हासिल करते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसे गलती करते हैं जिनके कारण दोस्तों आपको शनिदेव का दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रकोपों का भी सामना करना होता है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि शनिदेव सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं। सूर्य समस्त ग्रहों के राजा हैं, जो उनके पुत्र युवराज शनिदेव न्यायाधीश हैं। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ श्री कृष्ण अमावस्या को हुआ था, इसलिए शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या शनिदेव को प्रसन्न करने वाला बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो भी अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेता है दोस्तों, वह शनिदेव को सबसे पहले प्रसन्न कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में अगर शनिदेव खराब हैं तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको व्यापार में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यदि आपका कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो दोस्तों आप सभी के जीवन काल में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि आपको क्षति कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों शनिदेव को तेल चढ़ाने से आपके जीवन काल में जो भी रोग हैं, जो भी विघ्न हैं दोस्तों, वे सभी समाप्त हो जाते हैं। साथ ही लोहे के पात्र में दोस्तों तेल का अर्पण कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव को जब भी आप तेल चढ़ाएं उसमें काले तिल ज़रूर ही डालें, खाली तिल नहीं चढ़ाना चाहिए दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि अगले 4 दिनों में शनिदेव आपके लिए बहुत ही प्रभावशील हैं, आपको शुभ फल देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अगले 4 दिनों में आप
पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों दीपक जलाने के बाद शनि चालीसा का पाठ अवश्य कीजिएगा। दोस्तों शनि मंत्र ओम शन शंचराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। दोस्तों इस उपाय से आपके जीवनकाल में जो भी शनिदेव की दोस्तों आशाएं हैं, शनिदेव के ऊपर आपने जो भी आशाएं लगाए हैं दोस्तों, ये सारे आशाएं पूरे करेंगे। यानी कि दोस्तों आपके जीवनकाल में आपके मन की इच्छा पूरी करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 4 दिनों के अंदर आपको एक और महत्वपूर्ण उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, घर के दरवाजे पर अगर कभी गौ माता आए तो दोस्तों भोजन अवश्य कराइएगा। दोस्तों गाय की सेवा से संतान प्राप्ति की योग बनते हैं और जो भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं दोस्तों दूर होते हैं, घर के गृह क्लेश दूर होते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जिनके जन्मकाल में गौ माता द्वार पर आती है दोस्तों, उनके कुंडली में मौजूद सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। जी दोस्तों गाय को रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों जो भी आपके ऊपर बुरे साया हैं, नकारात्मक दोष हैं दोस्तों, गौ माता के नाम लेने से वो भी खत्म हो जाते हैं। जी दोस्तों यदि यात्रा आरंभ कर रहे हैं तो दोस्तों गाय के सामने आ जाएं अथवा गाय को दोस्तों गाय के बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने दिखाई दे तो दोस्तों आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।